दिल्ली के लाखों बुजुर्गों की ओल्ड एज पेंशन को लेकर दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल के निवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको पता चले कि वृद्धा पेंशन बंद करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने सड़कों पर बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने पेंशन को बंद करने के कदम को अमानवीय और संवेदनहीनता बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदर्श गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी और विधायक जितेंद्र महाजन ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आदर्श गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहे, बुजुर्ग इधर से उधर भटक रहे, लेकिन सरकार उन्हें पेंशन जारी नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार ने 2018 से ओल्ड एज पेंशन का रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है। 4 साल से जिन बुजुर्गों ने पेंशन के लिए आवेदन किया उनके पेंशन शुरू अभी तक नहीं हुई है। बहुत भाजपा विधायक दल की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर दी है, 2018 से लगभग 4,27,000 बुजुर्गों ने, जिसमें पुरुष भी है और महिला भी है, नई पेंशन के लिए आवेदन किया है, उसको भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद करके रखा हुआ है। और जो पुरानी पेंशन चली आ रही थी वह भी पिछले 4 महीने से बंद है या नहीं है? और इनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली से बाहर जाते हो तो आप कहते हो कि हम सभी को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे उसकी उम्र 60 साल से कम हो, हम 2,500 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन दिल्ली में पिछले 4 सालों से लाखों लोगों ने जो ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन किया है, एक भी वरिष्ठ नागरिक को आपने पेंशन नहीं दी है, और जो मिल रही थी वो बंद कर दी गई है। आपकी इस लड़ाई को हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी आज जितेंद्र महाजन की लीडरशिप में आप लड़ने के लिए आए हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस संघर्ष में अपना पूरा सहयोग देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि निरंतर वे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके मुद्दों को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने भी और पार्टी की लीडरशिप के सामने भी निरंतर उसकी चर्चा करते रहते हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आज आपको वचन देता हूं, भगवान राम की आज हम सौगंध खाते हैं कि श्री जितेंद्र महाजन ने जो संघर्ष आज मुख्यमंत्री के निवास के बाहर शुरू किया है, ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी। जिन लोगों ने नई पेंशन के लिए आवेदन किया है 2018 से, एक एक वरिष्ठ नागरिक को जब तक पेंशन मिल नहीं जाएगी, और 4 महीने से जो पेंशन बंद पड़ी है ये मिल नहीं जाएगी, हमारी लड़ाई विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के घर के बाहर जारी रहेगी। यही आपको मैं आश्वासन देते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, अपने भाई जितेंद्र महाजन को इस संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।